किन्नौर जिला के काफनू में हाइड्रो प्रोजेक्ट से 36 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने प्रदेश सरकार व प्रोजेक्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काफनू स्थित हाइड्रो प्रोजेक्ट से स्थानीय 36 कर्मचारियों को 67 दिन पूर्व नौकरी से निकाला गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट प्रबंधन ने इन सभी कर्मचारियों को 9 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी। ऐसे में इन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से कई बार इस विषय को उठाया, परंतु न सरकार और न ही प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों जिला में बर्फबारी के चलते ठंड का कहर जारी है, लेकिन मजबूरन इन कर्मचारियों को अपनी नौकरी को लेकर प्रोजेक्ट के खिलाफ लामबंद होना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सरकार व प्रोजेक्ट के आला अधिकारियों ने कर्मचारियों को नौकरी पर वापस नहीं लिया और 9 महीने की तनख्वाह नहीं दी तो प्रदेश युवा कांग्रेस सरकार व प्रोजेक्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। जल विद्युत परियोजना जितनी भी किन्नौर में बनी है उसका किन्नौर के स्थानीय निवासियों को फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। किन्नौर के अंदर जो बावा वैली में काफनू के अंदर जो रमेश हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके तहत आप देखिए बिना नोटिस के एकदम से वहां के 36 स्थानीय मजदूरों को रोजगार से उनको निकाला गया, उनको रोजगार से वंचित किया गया और साथ ही साथ पिछले 9 महीने की सैलरी जो उनकी रोक के रखी है उसको लेकर रमेश हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्थानीय मजदूर पिछले 67 दिनों से लगातार इस कड़ाके भरी ठंड में अपने हक की लड़ाई के लिए लगातार वहां पर आंदोलनरत है। फिर भी ना सरकार उनको सुनने के लिए आई, ना सरकार का कोई नुमाइंदा उनको सुनने के लिए आया, ना जो प्राइवेट जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो कंपनीज हैं इनके तरफ से ना कोई वहां से कोई MD आया ना GM आया। जब भी स्थानीय मजदूरों ने उनसे बात करना चाहिए, उनको अपनी मांगों को उनको बताना चाहा तो उनके तरफ से हमेशा उनको एक्सक्यूज दिया गया। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए किन्नौर से अरुण नेगी।